उत्तर प्रदेश के जलप्रजा सुहाग नगरी में आज फिर एचडी मेमोरियल पब्लिक परशुराम कॉलोनी रहना के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने रैली निकाल कर नगला भाव के समीप नाली के पुलिया के पास छात्र छात्राओं ने अमर शहीद देवेश कुमार कुलश्रेष्ठ की प्रतिमा पर जाकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और रैली का समापन किया। अमर शहीद देवेश कुमार कुलश्रेष्ठ के पिता दिनेश चंद कुलश्रेष्ठ का स्वागत भी किया। दिनेश चंद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, खून का बदला खून चाहिए और नहीं तो भारत सरकार पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ विचार करे, नहीं तो अब भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब भी हैं बदला लेने का समय वही। अमर शहीद देवेश कुमार कुलश्रेष्ठ के पिता दिनेश चंद कुलश्रेष्ठ एवं एचडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सौरभ लहरी, हृदय शर्मा एवं स्कूल के सभी अध्यापक मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौरा सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। शहीद जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप देश के लिए? ना दूध देंगे ना खीर देंगे, अगर हमारे हिंदुस्तान की तरफ आप उठाकर देगा तो हम वहीं से खीर देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? देवेश कुमार। आज बच्चों ने श्रद्धांजलि दिया, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी है, वो इस पर कठोर कार्रवाई करें। दूसरी बात ये है कि भविष्य में जो यहाँ से जो भी जो जवान जाते हैं उनसे पहले जो ट्रैफिक रोक दिया जाए, इससे पूरा रास्ता जो है साफ हो जाए और दूर दूर तक कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे। दूसरी बात है सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पर जो आतंकवादी उठे हुए हैं, जहाँ पर इनका अड्डा है, उन अड्डों को विशेष रूप से खत्म किया। मेरा दूसरी बात यह है कि हमारे भी देश के जो हमारे देश के जो शहीद होते हैं, जवान शहीद होते हैं, उनके लिए हमेशा सरकार उनका ध्यान रखे। ऐसा कहने के बाद ये लोग भूल जाते हैं और उनके परिवार वालों को जितना सहयोग मिल सके उनको देना चाहिए फायदे में, लेकिन ये लोग उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं, उनको इसके प्रति जो ध्यान देना चाहिए। बस मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, देश की सुरक्षा के लिए जितना भी संभव हो सके हमारे देश की सरकारें चाहे कोई भी हो, सब एकता और अहिंसा बने हुए हैं, हम सब एक हैं। हम चाहे आपस में कुछ करते रहें लेकिन बाहर के लिए एकता और अहिंसा का हम विशेष ध्यान रखते रहें और अक्षुण उसको बनाए रखें। प्रारंभ हुई और क्यों निकाली जा रही है, कहाँ जाकर के श्रद्धांजलि दी? आज एसडी मेमोरियल विद्यालय परिवार ने, जो हमारे देश में अभी आतंकी हमला हुआ है पुलवामा में, जिसमें हमारे 42 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको हम यहाँ पर बच्चों के साथ पूरा विद्यालय परिवार, स्टाफ, बच्चे, छोटे छोटे सब लोगों ने एक अलग जगाई और माननीय मोदी नरेंद्र मोदी जी तक आवाज़ पहुँचाने के लिए सब लोगों ने काफ़ी एकजुटता दिखाई। और हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो हमारे ये देश के शहीद जो जवान शहीद होते हैं, बार बार आतंक अटैक होता है, ये ना हो के एक बार करारा युद्ध हो जाए जिससे कि सारा आतंकवाद, सारा पाकिस्तान खत्म हो जाए। और हमारी यही माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि पूरा देश आपके साथ है, कुछ करो, अब इनका कुछ करो, इनका सफाया करो, पूरे पाकिस्तान का सफाया करो।